गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर हैप्पी इन हाउस? स्टडिंग वेल? डूइंग योर होमवर्क प्रॉपर? गुड। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेसन। दिस इज अ पोयम। अ स्मॉल चाइल्ड, 5 ईयर बेबी। ओके, दिस इज अ स्मॉल चाइल्ड, अ 5 ईयर बेबी। And in his family, like with elders, his brother, tata, he just imagine and saying the story. Okay, what he has imagined, he is saying a story. Means some story he has listened here, there, and he is making his own story, and he is just explaining. So in this poem, how a small child, what is his face expression, how he is creating a story. That's they want to say. बाघ आया उस रात। ओके, बाघ मीन्स टाइगर। बाघ आया उस रात। आया मीन्स कम, उस रात मीन्स दैट नाइट। दैट नाइट अ टाइगर केम। ओके, दिस देर इज अ स्मॉल बॉय, 5 year, he is saying story. So what he is saying, बाघ आया उस रात, that night tiger came. वो इधर से निकला, उधर चला गया. A 5 year child, when he is talking, anytime notice how will be the expression, how he will make the faces, how his hand will turn. This, in this story they are saying, that boy is saying, वो इधर से निकला, उधर चला गया. The tiger just he has come from here and gone that side. वो आँखें फैला कर बता रहा था. That small child just he is opening his eyes broad and he is saying, like when he is saying, people should be very surprised and little scared also. He is trying to say the story like that. हाँ बाबा, बाघ आया उस रात. Yes papa. And yes grandfather, that night tiger came. आप रात को बाहर ना निकलो. You don't go outside in the night time because nowadays tiger coming night time. जाने कब बाघ फिर से आ जाए. Don't know again when this tiger will come. हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है. Yes, that tiger only. That is झरना means waterfall. The tiger live near the waterfall, na? That tiger only nowadays coming to near the house. वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज. One day we went near the waterfall, na? There one tiger is living. That tiger only coming near to our house. बाघ उधर ही तो रहता है. बाबा उसके दो बच्चे हैं. सो दैट चाइल्ड इज सेइंग, यू नो नियर द वाटरफॉल ओनली टाइगर इज लिविंग एंड द टाइगर इज हैविंग टू बेबी आल्सो. बाघ हिम सारा दिन पहरा देती है एंड द टिग्रेस ना होल डे सी विल टेक केयर द बेबी. द टिग्रेस होल डे सी विल टेक केयर द बेबी. बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है. द टाइगर इधर ही विल स्लीप और ही विल प्ले विद द चिल्ड्रेन. दूसरा बालक बोला. व्हेन दिस बॉय इज सेइंग द स्टोरी ना, वन मोर बॉय इज देयर. ही इज आस्किंग, बाघ कहीं काम नहीं करता. द टाइगर इज नॉट वर्किंग एनीवेयर. माई कंसर्न मीन्स आई वॉन्ट टू से एनी ऑफिस, एनी कॉलेज. छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं. छोटू मीन्स दैट बॉय, स्मॉल बॉय इज देयर ना, हु इज आस्किंग द क्वेश्चन. स्कूल में भी नहीं मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल ऑल्सो. दैट स्मॉल चिल्ड्रन ना, हाउ दे आर सेइंग मीन्स इन द स्टोरी दे आर सेइंग ना, बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है. सो द टाइगर मे बी ही विल स्लीप और ही विल प्ले विद द चाइल्ड. सो सेकेंड चाइल्ड इज आस्किंग, ही डोंट गो टू ऑफिस, he don't go to college, even he don't go to school, means whole day he don't have any work.
पांच साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया. ओके सो अगेन दैट स्मॉल बॉय ही इज सेइंग नॉट टू गो आउट बिकॉज नाउअडेज टाइगर कम्स इन द नाइट टाइम. अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना. ही इज सेइंग नाइट टाइम इफ यू वॉन्ट टू गो टू नंबर वन टॉयलेट डोंट गो आउटसाइड. Use the toilet inside the house only because we don't know when tiger comes. Okay, so this is a smaller story about a 5-year child, how he is just imagining about a story and he is explaining to elders. Okay, how his face expression is there, how he is moving the hand, and how he is imagining and saying about a tiger. नेक्स्ट वी विल गो फॉर वर्ड मीनिंग. बाघ. बाघ मीन्स टाइगर. TIGER टाइगर बाघ. इधर. इधर मीन्स हियर लाइक इधर आओ कम हियर. उधर. देयर. उधर जाओ गो देयर. उधर देखो सी देयर. ओके सो इधर मीन्स हियर उधर मीन्स देयर. बाघिन. बाघिन मीन्स टिग्रेस फीमेल टाइगर. बाघिन मीन्स फीमेल टाइगर. इन इंग्लिश वी विल से टिग्रेस. आगाह. आगाह मीन्स वार्निंग. समवन विल गिव टू वार्निंग ना डोंट डू दिस अदरवाइज डोंट रन फास्ट यू विल फॉल मीन्स आगाह करना. आगाह करना मीन्स प्रायर वार्निंग नॉट टू डू अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम. वक्त. वक्त मीन्स टाइम TIME. रोज. रोज मीन्स डेली DAILY डेली. डेली मीन्स रोज एवरी डे. बाहर. बाहर मीन्स आउटसाइड. सोता. सोता मीन्स स्लीपिंग लाइक इन दिस पोएम इट हैज कम ना. बाघ पूरे दिन सोता मीन्स द टाइगर होल डे ही विल स्लीप. सो हियर सोता मीन्स स्लीपिंग. बाबा. बाबा मीन्स फादर. सो दिस वॉज योर वर्ड मीनिंग. नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर. तेंदुए और बाघ में क्या अंतर होता है. वॉट इज डिफरेंस बिटवीन अ तेंदुआ एंड बाघ. मीन्स वॉट इज डिफरेंस बिटवीन अ लेपर्ड एंड टाइगर. ओके वॉट इज डिफरेंस बिटवीन अ लेपर्ड एंड टाइगर. बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं. सो एंड टाइगर इज हैविंग अ ब्लैक कलर लाइन्स ऑन देयर बॉडी. जबकि तेंदुए के शरीर पर गोल निशान होते हैं. एंड लेपर्ड इज हैविंग अ राउंड ब्लैक कलर मार्क. ओके सो टाइगर इज हैविंग अ ब्लैक कलर लाइन ऑन हिज बॉडी एंड तेंदुआ लेपर्ड इज हैविंग अ ब्लैक कलर राउंड ब्लैक कलर स्पॉट ऑन हिज बॉडी. तेंदुए बाघ से छोटे होते हैं. एंड तेंदुआ मीन्स लेपर्ड आर स्मॉलर देन टाइगर. ओके सो देर आर टू डिफरेंस बिटवीन अ तेंदुआ एंड बाघ. तेंदुए मीन्स लेपर्ड एंड बाघ मीन्स टाइगर. उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी. दैट नाइट वॉट यूनिक थिंग हैपन वॉट समथिंग डिफरेंट हैड हैपन ऑन दैट नाइट. उस रात बाघ आया था. So what was the special in that night? What different thing has happened on that night? So a different thing has happened that night. Us raat baagh aaya tha. That night
टाइगर केम। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारे विचार में क्या सचमुच यह बात अनूठी है और क्यों? सो डू यू थिंक दिस टॉक इज समथिंग डिफरेंट एंड व्हाई? ओके, वन टाइगर हैज कम सम नाइट, दिस इज अ नॉर्मल थिंग और नॉट नॉर्मल? इफ इट इज नॉट अ नॉर्मल, व्हाई? जस्ट दे आर आस्किंग योर सजेशन। हाँ, यह बात अनूठी है। यस, दिस इज अ यूनिक थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि, बिकॉज, बाघ जंगल में रहता है, टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट। घर के पास आना अनूठी बात है। इफ अ टाइगर इज कमिंग क्लोज टू हाउस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ वंडरिंग थिंग, यूनिक थिंग। ओके, सो यस, दैट उस रात बाघ आया, दैट वॉज अ समथिंग डिफरेंट थिंग, दिस इज नॉट अ नॉर्मल, बिकॉज टाइगर लिव्स इन अ फॉरेस्ट, नॉट क्लोज टू हाउस। एंड इफ टाइगर कम्स क्लोज टू हाउस, इट विल बी वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी स्केरी थिंग। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वी विल गो फॉर मुहावरा। वॉट इज मुहावरा? मुहावरा मीन्स idioms. Muhawara means idioms. And what is idioms? Maybe in English some you are reading, or next year you will start to read in your grammar part. I'll tell you what is muhawara. There is some word, okay? Maybe if you will see the word meaning, meaning will be different. But that word is known as, instead of saying a full sentence, if you will say a word, means that is understood what has happened. So this is idiom. We will say some word instead of a sentence, and with that word only it is understood what you want to say. Okay, aankh phailakar. Aankh means eyes. Aankh means eyes. Phailakar means spread. But spreading the eyes, if you will say spreading the eyes, this is a word. If you will see the meaning, nothing is there. Why you will spread your eyes? But in Hindi, if you will say aankh phailakar, means you are saying some mysterious thing. Okay? You are saying some different things. Okay? Like when you will say this thing, any incident happened that is different from normal life, then only people will say, na, there was a ghost there, a black color shadow was there. If you will say this type of things, what will happen? Your face expression will change. So instead of saying full thing, if I am saying aankh phailakar, means you are going to say something, some mysterious thing, some very different thing you are going to explain. That is known as a idioms. In Hindi we will say muhawara. So if they will say aankh phailakar, this word explain, make a word, make a sentence with using this word. Wah aankhe phailakar batla raha tha. He is spreading his eyes and he is explaining the story. Second number, aankh lagna. Lagna means hit. Lagna means hit. Aankh means eyes. But if you are saying aankh lagna, aankh lagna means meaning is sleeping. Aankh lagna means sleeping. Padhte padhte uski aankh lag gayi. He was reading and reading time only he has sleep. So aankh lagna means, if I am saying aankh lag gayi, it is understood you are doing some work and with work only you have sleep. Aankh moondna means closing your eyes. So if you go for meaning, closing your eyes means what? Teacher will say also in classroom, close your eyes 5 minutes. Okay? So it's normal. But no, in Hindi, if someone is saying aankh moondna, aankh moondna means die. Aankh moondna means die.
someone has closed his eyes, permanent, okay? समय से पहले ही दादी ने आंखें मूंद ली. सो इफ आई एम मेकिंग अ सेंटेंस विद दिस वर्ड, समय से पहले ही दादी ने आंखें मूंद ली. बिफोर टाइम ओनली ग्रैंड मदर हैज क्लोज द आईज, मीन्स वेरी सून ग्रैंड मदर हैज डाइड. आंखें भर आना, भर आना मीन्स फुल, भर आना मीन्स फुल. लाइक ग्लास यू आर फिल्ड विद वाटर, यू आर फिल्ड विद टी और मिल्क, सो इट इज फुल. आंखें भर आना मीन्स आईज आर फुल, सो आईज आर फुल विद वाटर. व्हेन आईज वाटर विल कम, व्हेन यू आर सैड और व्हेन यू आर टू मच हैप्पी, लाफिंग लाफिंग ऑल्सो टीयर्स विल कम और व्हेन यू आर क्राई देन टीयर्स विल कम. आंखें भर आना, इफ आई विल से टू मेक अ सेंटेंस विद दिस वर्ड, उसकी दुखद कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं. टू लिसन हिज सैड स्टोरी माई आईज फिल विद टीयर्स, माई आईज फुल विद टीयर्स. आंखें भर आना मीन्स इन आईज टीयर्स हैज कम. आंख दिखाना, आंख मीन्स आई, दिखाना मीन्स शोइंग, शोइंग द आईज, बट हियर दैट इज द मीनिंग. बट इन मुहावरा आंख दिखाना मीन्स स्टेयरिंग समवन, मेकिंग स्केयर समवन. राजू का मालिक उसे आंखें दिखा रहा था, मीन्स इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग करेक्ट, समवन विल शो यू आईज, विद आईज ओनली दे विल स्टेयर यू, मीन्स यू शुड नॉट डू, दे विल मेक यू स्केयर, ओके. सो आंख दिखाना मीन्स मेकिंग यू स्केयर और विद आईज ओनली शाउटिंग. आंख बचाना, सेविंग द आईज, बट मीनिंग आंख बचाना, इफ यू हैव डन एनी रॉन्ग यू आर नॉट एबल टू फेस एनीवन, दैट इज आंख बचाना. मयंक माँ से आंखें बचाकर खेलने चला गया, ओके. सो मयंक, देयर इज अ बॉय, ही हैज लुक्ड हियर देयर एंड व्हेन मम्मी वाज बिजी जस्ट ही हैज गॉन आउटसाइड टू प्ले, means his mummy has not seen, he hide and he has gone out to play. Sir aankhon par bithana, sir aankhon par bithana, bithana means make it sit. So who will make you sit on your eyes and head, means too much, giving too much liberty, गिविंग टू मच लिबर्टी. दादी ने मीतू को अपनी सिर आंखों पर चढ़ा के रखा है, मीन्स अ स्मॉल स्मॉल मिस्टेक पीपल विल इग्नोर, ओके. अ स्मॉल स्मॉल मिस्टेक इफ यू आर इग्नोरिंग एंड जस्ट ओके ऑलवेज मेकिंग देम हैप्पी, दिस इज कॉल्ड सिर आंखों पर बैठाना. दादी ने मीतू को अपनी सिर आंखों पर चढ़ा रखा है, बैठा रखा है. Okay, so this was your small lesson poem. Baagh aaya us raat, tiger came that night. We have read, I have translated for you. I taught you word meaning, question answer and muhara. This all three thing, as you know, you have to write in your classwork. Okay children, first see the video, then start to write the homework. Free time, read the book, do the reading practice.